नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सीजी गोट फार्मिंग। आज हम आए हैं जालबांधा के पास सिंगरौली में पूजा गोट फार्म में। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव क्या है, गोट फार्मिंग में कितना दिन हुए हैं और गोट फार्मिंग किस पद्धति से करते हैं। क्या नाम आपका? जितेंद्र वर्मा। कितने सालों से कर रहे हैं आप गोट फार्मिंग? डेढ़ साल हो रहे हैं। डेढ़ साल हो गए। डेढ़ साल में आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुझे तो काम बहुत अच्छा लग रहा है। बस हरे चारे की अभी व्यवस्था नहीं, लेकिन चरने जा रहा है, ठीक ठाक चर के आ जाता है। और जो बीमारी वगैरह का इलाज आप कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट वगैरह, वैक्सीनेशन, टीकाकरण सब हो जाता है आपसे? सब मैं कर लेता हूँ। खुद ही कर लेते हैं सब? हाँ, सब खुद कर लेता हूँ। अभी कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? सोजत, सिरोही और कुछ गुजरी में है, और तोतापुरी है, तीन नस्ल है। यहाँ बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं नहीं, बेचने में तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। बीमारियों का इलाज आप खुद कर लेते हैं सब? खुद कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आपका स्टॉक तो खैर। अभी कुछ बेचने के लिए भी है क्या आपके पास? नहीं, बेचने के लिए तो नहीं है। एक आध बकरा निकाल दूंगा, ये वाला सिरोही का। हाँ हाँ, और ये वाला। बहुत बढ़िया स्टॉक है खैर आपका। तो हमारे कुछ जो नए बकरी पालन करने वाले रहते हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? अब ये काम तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अगर कोई नया फार्मिंग चालू कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर काम करेगा फिर नुकसान की ओर जा सकता है। हाँ, इसमें इनको फ़ायदा कितने दिन के बाद देखने मिलेगा? कम से कम डेढ़ से दो साल लगेगा।